हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी तक यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया में आई बड़ी भर्ती के बारे में। यहाँ पे पोस्ट नेम देख सकते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन एवं जूनियर इंजीनियर के लिए जो है बड़ी भर्ती आई है। एंड अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, सैलरी जो होने वाली है आपकी 4500 रुपये सैलरी होने वाली है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा या एनी ग्रेड बेस्ड है कैंडिडेट्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस कुछ भी नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ऑल इंडिया की जॉब है, कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। ये रिक्रूटमेंट जो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ISM धनबाद की तरफ से आई है। एंड कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट उन्होंने कर रखा है, डिप्लोमा ITI कर रखा है तो वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दो तरह की पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई है, दो नोटिफिकेशन भी है जारी किया गया है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या बताया गया और किस किस पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई है। फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा एंड उसके पोस्ट के बारे में बताऊंगा, सैलरीज के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आप नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पर अपडेट्स पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को उस अपडेट्स पर ले जाना चाहूंगा। देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट के बारे में नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन के लिए बताया गया है। टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया, कितनी पोस्ट है, टोटल 74 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। एंड उसके बाद रजिस्ट्रार के लिए 2 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 3 पोस्ट है। एंड अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स के लिए, 3 पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियंस के लिए, इसके बारे में बताया गया, पोस्ट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट जो है, पे लेवल मैक्सिमम जो है आपको पे कितना होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार्स के लिए अगर आप करते हैं तो लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है पे होगा। एंड आपका जो है क्वालिफिकेशन बताया गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार्स के लिए करते हैं तो मास्टर्स डिग्री चाहिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डिजायरेबल जो है डिग्री इन लॉ की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ दिया गया, एक्सपीरियंस देख सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए करते हैं तो मास्टर्स डिग्री उसके लिए भी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए करते हैं तो अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर्स के लिए, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। सेकंड पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, 3 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या BSc कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट रेट से रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 1 है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि क्या कौन कौन से पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है। हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस रिटेंड होगा प्लस कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्स के बारे में बताया गया कि कितने नंबर से आके पूछा जाएगा, वो भी उसके बारे में भी डिटेल्स में दिया है। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना जब भी फॉर्म आप ऑनलाइन करो। अब बात हम कर लेते हैं फीस पेमेंट की कि जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो फीस कितना पे करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार्स के लिए आपको 1000 रुपये पे करना होगा। एंड पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए या जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो है आपको 500 रुपये जो है फीस पे करना होगा। ये फॉर्म फीस लिया जाएगा आप लोगों से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइम शेड्यूल के बारे में, बात कर लेते हैं कब से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, कब से लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट जो है 11 नवंबर तक है। लास्ट डेट आप 11 नवंबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो मेक श्योर कि आप 11 नंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो ये होगी पोस्ट नोटिफिकेशन नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 के बारे में। नोटिफिकेशन 2 में क्या क्या बताएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है एंड इस नोटिफिकेशन में किस पोस्ट के बारे में बताया गया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो है, जूनियर सुपरिटेंडेंट्स के लिए पोस्ट है। एंड देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए, OBC के लिए कितनी पोस्ट है, SC के लिए कितनी पोस्ट है, सबके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया। तो बहुत तरह की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। एंड उसके बाद कर लेते हैं इसके बारे में सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो होने वाली है 44,900 रुपये के आसपास आप लोगों की सैलरी होने वाली है। 3 इयर्स का अगर डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है इन सिविल में होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो होने वाली है आप लोगों के 44,900 रुपये यानी 45,000 के आसपास जो है सैलरी होने वाली है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, सब में जो है 3 साल का जो है वो डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि फॉर्म फीस कितना पे करना होगा, सैलरी क्या मिलने वाली। सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि पहले मिलता आया हुआ। एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का होगा, 80 का एग्ज़ाम्स होगा, 20 का जो है टेस्ट होगा, जो कि फर्स्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था। सेम प्रोसीजर इसका भी है, एग्ज़ाम्स का नंबर्स भी सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और डेट्स के बारे में। देखो ये जो है लास्ट डेट जो है इसका आप फॉर्म फिलअप करने का जो है वो 14 दिसंबर तक जो है आप लास्ट जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म फीस के बारे में इसमें कुछ डिटेल्स में मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन नंबर 2 में, बट नोटिफिकेशन नंबर 1 जो था उसमें फॉर्म फीस के बारे में भी दिया गया है, तो इसको जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हो अभी तक शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियोस मैं इसी तरह की नई नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज लाता रहूँगा आपके लिए। फिलहाल आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।